नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम फर्स्ट ग्रेड के लिए एक नॉवल करने जा रहे हैं। नॉवल का नाम है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। और इस नॉवल को थॉमस हार्डी ने लिखा है। देखिए, इस नॉवल को करने से पहले थॉमस हार्डी के बारे में थोड़ा सा देख लें और इस नॉवल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लें। तो देखिए, थॉमस हार्डी बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, लेकिन इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई अपनी नॉवल्स के, फार फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड और द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ये बहुत ही फेमस नॉवल है। ठीक है, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और ज्यादातर समय पोएम्स लिखने में बिताया है, फिर भी इनको फेम जो मिला है नॉवल्स के कारण मिला है। तो देखिए, इनका जन्म 2 जून 1840 में हुआ और इनकी डेथ 11 जनवरी 1928 में हुई। ओके, तो इनको भी पोएट कॉर्नर, ओके, वेस्टमिंस्टर एबे में पोएट कॉर्नर में दफनाया गया है। ठीक है, तो ये जो वर्क है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, तो इस वर्क का जो टाइटल है, ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इसका मेन टाइटल है और इसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर। ये याद कर लेना, क्योंकि कई बार सब टाइटल पूछ लिया जाता है कि मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का सब टाइटल क्या है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर, ये इसका सब टाइटल है। और ये नॉवल 1884 से 1886 के बीच लिखी गई है। देखिए, 1884 में इसको लिखना शुरू किया, बीच में कुछ समय के लिए पॉज दिया और कंप्लीट इसको 1886 के शुरू के 6 मंथ्स में किया गया है। बीच में साल दो ढाई साल का जो गैप है, उसके बाद फिर से लिखना स्टार्ट करके इसको कंप्लीट 1886 में किया था। और ये पब्लिश हुई थी मई 1886 में, उसी साल ये पब्लिश हो गई थी। ओके, और इस नॉवल के ऊपर एक फिल्म भी बनी, एक साइलेंट फिल्म बनी है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, इंग्लिश फिल्म थी, इंग्लिश साइलेंट फिल्म थी 1921 में। और भारत में भी इस पर एक फिल्म बनी है, मेयर नायर। ठीक है, मेयर नायर मलयालम में बनी है। ठीक है, 1966 में बनी थी, 1966 में मेयर नायर नाम की एक फिल्म बनी थी मलयालम भाषा में, और इंग्लिश में बनी है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसी टाइटल से बनी, एक साइलेंट फिल्म थी। तो ये याद रख लिया। अब देखिए, इसके कुछ मेन करेक्टर की डिस्कशन करते हैं। हम मेन करेक्टर डिस्कस करेंगे, जो माइनर करेक्टर है जब हम नॉवल करेंगे उसमें देख लेंगे। तो मेन करेक्टर है, सबसे पहला है माइकल हैंचर। माइकल हैंचर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है उसका नाम है माइकल हैंचर। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर, बस इसी के लिए यूज हुआ ये टाइटल, हैंचर के लिए ये टाइटल यूज हुआ। देखिए, शुरू में ये एक हे ट्रजर का मतलब है घास काटने वाला, एक घास काटने वाला होता है, उसके बाद ये मेयर बन जाता है। इसकी वाइफ है सुजन, ठीक है, माइकल हैंचर की वाइफ सुजन हैंचर, ठीक है, माइकल हैंचर वाइफ। ओके, एलिजाबेथ जैन हैंचर की डॉटर है, तो ये इसकी पत्नी है और एलिजाबेथ जैन इसकी बेटी। इसमें दो एलिजाबेथ जैन है, दो, एक तो एलिजाबेथ जैन हैंचर की बेटी, एक एलिजाबेथ जैन न्यूसन की बेटी, न्यूसन इसकी बेटी। ठीक है, तो उसकी आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों का नाम सेम क्यों था। रिचर्ड न्यूसन जो है वो एक सेलर है, एक नाविक है। डोनाल्ड फारफ्रे ये एक स्पोर्ट्समैन है, स्कॉटलैंड से आया हुआ है, स्कॉट्समैन है, और जो माइकल हैंचर के यहां आकर मैनेजर की नौकरी करता है और धीरे धीरे उससे भी ज्यादा फेमस हो जाता है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज के पास आ जाती है। तो ये था डोनाल्ड फारफ्रे। नेक्स्ट है ल्यूसेटा। ल्यूसेटा जर्सी में रहने वाली एक वुमेन है और इसके पिताजी एक कर्नल है, ये एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी है ल्यूसेटा, जो जर्सी में रहती थी। और नेक्स्ट है जशुआ जॉब। जशुआ जॉब मैनेजर ऑफ फारफ्रे। देखो, पहले ये जॉब जो है हैंचर के यहां काम करने के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, लेकिन हैंचर जब
फाफरे को अपना मैनेजर बना लेता है, तब क्या है उसके प्रति थोड़ा सा रिवेंज की भावना रखने लग जाता है और बाद में ये जाकर फाफरे का मैनेजर बन जाता है। जब फाफरे के पास सारी प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है तो उसका मैनेजर बन जाता है जशुआ जो। तो ये इसके कुछ मेन करेक्टर थे। अब हम शुरू करते हैं इसकी स्टोरी की, इसकी कहानी क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं द मेयर ऑफ कास्टरविच इस नॉवल की स्टोरी क्या है। तो कहानी शुरू होती है माइकल हैंचर्ड से, जो कि एक हेयरडेसर है, घास काटने वाला है, और वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी, छोटी सी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ एक वेडन प्रियर्स नाम की जगह पर आता है और यहां पर एक मेला लगा होता है। ठीक है, वेडन प्रियर्स, जगह का नाम याद रख लेना कि मेला कहां लगा हुआ था, गांव था वेडन प्रियर्स। ठीक है, तो इस गांव में मेला लगा हुआ था और ये तीनों उधर से गुजर रहे थे, उस मेले में जा रहे थे। तो ये यहां इस मेले में पहुंचे। तो यहां जब मेले में पहुंचे तो बहुत सारे बूथ, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। तो उसी मेले में दो बूथ लगे हुए थे शराब के, और बहुत से लोग वहां शराब पी रहे थे। दो बूथ थे शराब के, एक तरफ तो कह सकते हैं कि बड़ी ही स्ट्रांग वाइन सर्व हो रही थी, बड़ी ही स्ट्रांग वाइन दे रहे थे, और एक तरफ फर्मिटी वाइन दे रहे थे। फर्मिटी मतलब हल्की सी, जैसे मान सकते हैं कि एक तरफ तो बियर सर्व कर रहे थे और एक तरफ स्ट्रांग वाइन सर्व कर रहे थे। तो इधर जो फर्मिटी वाइन थी, मतलब उसका नशा बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल हल्के नशे वाली शराब थी। तो हैंजर ने इच्छा जाहिर की कि मैं शराब पीना चाहता हूं। अब हैंजर की पत्नी को पता था कि अगर इसने शराब पी ली और नशे में हो गया तो ये किस तरह का व्यवहार करने लग जाता है, बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। तो उसको इसका रवैया पता था कि शराब पीने के बाद ये कैसा बिहेव करता है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, तुमने शराब नहीं पीनी है, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि मैंने तो पीनी है। तो कुछ समय बाद सुजैन ने कह दिया कि अगर पीनी है तो ऐसे करो, फर्मिटी बूथ पे चले जाओ, वहां पर जाकर हल्की सी शराब पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी थकान हुई पड़ी है, काफी लंबा चल के आए हो, तो थोड़ी रिफ्रेशमेंट की तुम्हें जरूरत है, तो ऐसे करो हल्की सी शराब पी लो। तो यहां वो फर्मिटी बूथ पर चला गया, तो यहां एक औरत सर्व कर रही थी जिसको हम फर्मिटी वुमेन के नाम से जानेंगे। इसका बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रख लेना आगे चलकर। तो एक याद रखना, इस फर्मिटी बूथ पर एक वुमेन थी जिसका नाम है फर्मिटी वुमेन, हम कहेंगे उसको फर्मिटी वुमेन। वो यहां पर क्या है, एक शराब वितरित कर रही थी। वास्तव में क्या था कि नाम ही इसका फर्मिटी बूथ था, अवैध रूप से स्ट्रांग वाइन यहां बेची जा रही थी। कहने का मतलब स्ट्रांग वाइन का एक बूथ इधर लगा हुआ था, लेकिन अवैध रूप से यहां पर स्ट्रांग वाइन भी बेची जा रही थी। तो ये बात हैंचर्ड को पता थी कि वहां स्ट्रांग वाइन मिल सकती है। अपनी पत्नी के सामने तो वो कह के चला गया कि मैं हल्की शराब पीऊंगा। तो यहां जाकर उसने उस वुमेन को कहा कि मुझे स्ट्रांग वाइन चाहिए। तो उसने उसको स्ट्रांग वाइन सर्व की। जब वाइन के दो चार प्याले या दो चार पैग पिए उसने, तो उसको नशा हो गया, बहुत ज्यादा नशा हो गया, और नशे की हालत में वो हमेशा अपनी पत्नी को कोसता था। वो कहने लग गया कि जब से मेरी इससे शादी हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ठीक है, मैं मेरे जैसा घास काटने वाला इस गांव में, इस शहर में, इस देश में कोई नहीं है। तो वो कहता कि मैं बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, ये सुजन जिससे शादी हुई बहुत ही भोली है, ना समझ है, मैं लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहा हूं और मेरी लाइफ एक बर्डन बन चुकी है, ये शादी मेरे लिए एक बर्डन है। तो वहां वो क्या करता है, सभी को, जितने भी बंदे उस बूथ के आसपास बैठकर शराब पी रहे थे, सभी को जोर जोर से बोलकर बताने लग जाता है, और इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो नशे में क्या करता है, ऑक्शन लगा देता है, बोली लगा देता है अपनी पत्नी की। वो कहता है कि जो इसका उचित भाव देगा इसको ले जा सकता है, मैं परेशान हो चुका हूं इससे, और जो कोई भी चाहे इसको ले जा सकता है। उसने पहली बार कहा तो लोगों को बड़ा अजीब लगा, इग्नोर कर दिया, दूसरी बार कहा फिर भी इग्नोर कर दिया, बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि जो इसका अच्छा भाव देगा इसको ले जा सकता है। तो बार बार सुनने के बाद वहां एक पर्सन आया, पर्सन का नाम था न्यूसन, रिचर्ड न्यूसन।
रिचर्ड न्यूसन ने क्या किया, रिचर्ड न्यूसन याद रख लेना, इसने क्या किया, इसको फाइव गिनीज, ठीक है, पांच गिनीज देकर सूजन को उससे खरीद लिया। अब सूजन क्या थी, बहुत ही भोली भाली थी। जब उसने सोचा कि पुराने समय में गरीबी के कारण क्या था कि लोग बेच देते थे अपने बच्चों को, ठीक है, बंधुआ मजदूरों की तरह अपनी बीवियों को बेच देते थे, जुए में हार जाते थे या किसी तरीके से, क्या है ये ऑक्शन उसने लगाई है तो जो मेरे पति ने कर दिया है मैं वैसा ही करूंगी। वो भोली भाली थी, चुपचाप वो रिचर्ड न्यूसन के साथ चल पड़ी। रिचर्ड न्यूसन के साथ चली गई और रिचर्ड न्यूसन उसको समुन्द्र पार करके कनाडा ले गया, ठीक है, कनाडा ले गया और वहां जाकर वो रहने लग गए। तो सूजन के साथ उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन भी चली गई। तो ये तीनों के तीनों तो चले गए, ठीक है, समुन्द्र पार करके चले गए और वो शराब के नशे में पांच गिनीज लेकर घर आ गया। सुबह उठा, उसकी शराब उतरी, नशा जब उतरा, उसने हाथों में देखा कि पांच गिनीज मेरे हाथों में है, सूजन का है, तो उसको सारी घटना याद आ गई, सारी घटना याद आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, शराब के नशे में मैंने अपनी पत्नी को ही बेच दिया। तो ये घटना जब उसको याद आई तो बहुत पछतावा हुआ। देखो इस घटना को ये फर्मिटी वुमेन अपनी आंखों से देख रही थी, जो कुछ भी वहां हो रहा था, क्योंकि उसकी शॉप पर ये सब कुछ हो रहा था, उसी बूथ पर हो रहा था, तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और इस बंदे को बहुत ही घटिया समझ रही थी कि कैसा इंसान है अपनी ही पत्नी को बेच दिया। वहां जितने भी लोग हैं इसको बड़ा घटिया समझ रहे थे। अब इसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, दुख भी हुआ, पश्चाताप भी हो कि ये मैंने क्या कर दिया। अब क्या, जो हो गया सो हो गया। उसने तलाश करने की कोशिश की कि ये मिल जाए मुझे तो मैं उसकी पांच गेनियां वापस दे दूंगा, कह दूंगा कि शराब के नशे में मेरे से बोला गया। लेकिन उसने जब तलाश करने की कोशिश की तो किसी ने उसको बता दिया कि उसको तो न्यूसन समुन्द्र पार करके ले जा चुका है। अब उसने सोचा कि मेरा तलाश करना व्यर्थ है, अब मुझे नहीं मिल पाएगी, वो तो चले गए हैं। तो जब उसने ये सोचा मेरा तलाश करना व्यर्थ है तो वो एक चर्च में गया पछतावा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। तो वहां जाकर कसम खाता है कि मैं आने वाले 21 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि शराब की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो 21 इयर्स तक उसने शराब ना पीने की कसम खा ली कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये कसम खाकर वो एक शहर में आकर रहने लग गया, शहर का नाम था कास्टरब्रिज, ठीक है, डॉरचेस्टर के पास। मतलब इसमें तो एक कल्पना वाला विलेज कह सकते हैं, कल्पना वाला नगर कह देते हैं। तो कास्टरब्रिज में आकर रहने लग गया और यहां आकर उसने शराब छोड़ दी, बहुत ज्यादा मेहनत की, मेहनत अनाज का व्यापार शुरू किया और अनाज के व्यापार से बहुत ज्यादा अमीर हो गया और इतना ज्यादा अमीर हो गया कि इसको मेयर बना दिया गया, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। देखो यहां से हेटर से कास्टरब्रिज का मेयर बनने की कहानी 18 साल लग गए थे, ठीक है, धीरे धीरे मेहनत करता गया करता गया। अब हम चलते हैं 18 साल बाद, जब 18 साल बाद जो हैंजर्ड है वो कास्टरब्रिज का मेयर है, ठीक है, और आज उसके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और किसी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहा है। या उसके नगर में क्या, इस साल अनाज नहीं हुआ था, अनाज अच्छा नहीं था, बहुत ही घटिया अनाज था, इस वजह से वो लोगों की मुश्किलें सुनने के लिए आ रहा है क्योंकि मेयर है वहां का। तो वो द किंग्स आर्म नाम एक सराय है, वहां आने वाला है, वहां का सीन है। तो 18 साल बाद इधर से क्या है, रिचर्ड न्यूसन जो अपनी पत्नी को, अपनी जो हैंजर्ड से उसने खरीदी थी, उस लड़की को साथ ले जाकर वहां बस गया था। अब उसको जीविका चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और पैसा कमाने के लिए वो समुद्री यात्रा पर चला गया था। और उसके किसी दोस्त ने आकर सूजन को ये बताया, सूजन को ये बताया कि न्यूसन तो क्या है, रास्ता भटक गया था, उसका जहाज गलत दिशा में चला गया था, इसलिए क्या है वो डूबकर मर गया। तो ये खबर न्यूसन के किसी दोस्त ने, ये झूठी खबर थी, आकर सूजन को दे दी। सूजन को ये बता दिया कि न्यूसन
मर गया है, डूबकर मर गया है। अब क्या है, सोजन थोड़ी दुखी रहने लग गई, तो उसको देखकर दुखी देखकर सोजन को दुखी देखकर उसके एक पड़ोसी ने उसको समझाया कि फिर क्या हो गया अगर ड्यूसन मर गया तो तुम हैंचर्ड की तलाश करने की कोशिश को करो, क्योंकि लीगली कानूनी तौर पर अब भी तुम उसकी ही वाइफ हो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, तुम्हारी बेटी को सहारा मिल जाएगा। तो सूजन को ये कह दिया कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा और लीगली अब भी वो तुम्हारा पति है। तो ये बात सुनकर देखो बोली बाजी थी, जैसे कोई कह देता था मान लेती थी। अब सूजन क्या है, ये बात सुनकर और अपनी बेटी को लेकर 18 साल बाद वापस कहां जाती है कि उस औरत को जरूर पता होगा जिसने शराब पिलाई थी। तो वो फर्मिटी बूथ पर आती है, ठीक है, फर्मिटी बूथ पर आती है और आकर वहां से हैंचर्ड का अता पता पूछती है। तो वो वुमेन बताती है कि वो तो कास्टर ब्रिज की तरफ चला गया था, उसके बाद उसका मुझे कुछ नहीं पता है, कास्टर ब्रिज की तरफ चला गया था, उधर चली जाओ। तो इससे इंफॉर्मेशन लेकर सूजन यहां आती है। द किंग्स आर्म, याद रखना जितने भी प्लेस हैं, वेडन प्रेयर्स, ठीक है, फर्मिटी बूथ, कास्टर ब्रिज, और कास्टर ब्रिज में क्या है, किंग्स आर्म, ठीक है। तो इस ये एक सराय है, एक इन है, यहां आते हैं। यहां वही फंक्शन होने वाला था, बहुत बड़े आदमी को, बहुत बड़े आदमी को संबोधित करने वाले थे, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा आदमी इनको संबोधित करने के लिए आ रहा था, इनसे बातचीत करने के लिए आ रहा था। अब क्या है, ये अपनी बेटी जैन, एलिजाबेथ जैन को ये बता के आई है कि हम अपने किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जब ये यहां आई, ठीक है, तो इसको सोलोमन लॉन्गवेज, सोलोमन लॉन्गवेज नाम का पर्सन मिला। तो उनसे पूछा कि यहां क्या फंक्शन हो रहा है, तो बताया कि यहां हम बहुत ही प्रतिष्ठित हमारी मेयर को यहां सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं और हमने हमारी समस्याएं सुनने के लिए वो आ रहा है। अब क्या है, जब वो मेयर आया तो वो पहचान गई कि हैंचर्ड है, और सोलोमन लॉन्गवेज से यह भी पता चल गया था कि हैंचर्ड यहां का मेयर है। एलिजाबेथ जैन को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा रिश्तेदार बहुत बड़ा आदमी है, तो अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो क्या है, जब वहां फंक्शन शुरू हुआ, सभी लोग शराब पी रहे थे, नृत्य वगैरह चल रहा था, लेकिन सूजन को एक बात देखकर बड़ी हैरानी हुई कि हैंचर्ड ने पानी के अलावा कुछ नहीं किया, शराब को टच भी नहीं किया। तो जब उसने ये बात सोलोमन लॉन्गवेज से पूछी कि भाई क्या बात है, उसने शराब क्यों नहीं पी, तो सोलोमन लॉन्गवेज ने बताया उस कसम के बारे में कि ये बंदा तो काफी टाइम से क्या है, शराब नहीं पीता है, पता नहीं क्यों नहीं पीता है, बस इसको कोई कहता है शराब पी लो तो ये कह देता है कि मैंने कसम खाई हुई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो सूजन का दिल पिघल गया, लेकिन उसको एक बात का डर लग रहा था कि क्या अब वो हमें अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और हम क्या है उसके जीवन में कोई दोबारा डिस्टर्बेंस तो नहीं पैदा कर देंगे। तो इस डर से क्या है, वो डायरेक्ट उसके पास नहीं जा रही थी। तो अब यहां पर आकर उसने जब संबोधित किया तो उसने एक पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि कोई ऐसा बंदा है जो ये बता दे कि जो अनाज खराब हो गया है उसको अच्छे अनाज में कैसे चेंज किया जाए, कि हमारा अनाज खराब हो रहा है, कोई ऐसी टेक्निक बताए जिससे हमारा अनाज खराब ना हो, ठीक है, तो मैं उसको काम पे रख लूंगा, उसको बहुत अच्छी पोस्ट दे दूंगा। इसने ये अनाउंस कर दिया। तो हैंचर्ड के पास एक लेटर आता है, ठीक है, और लेटर में लिखा होता है कि मैं इस समस्या का हल बता सकता हूं, इसके लिए आपको मुझे मिलने के लिए आना पड़ेगा। कहां, थ्री मैरिनर्स इन, एक और इन है, इनका नाम है थ्री मैरिनर्स इन, इस इन में मिलने के लिए आना होगा और वहां आ जाना, वहां मैं आपको बता दूंगा। तो मेयर को लगा कि ये पर्सन कोई और नहीं, जसुआ जॉब था। जसुआ जॉब के बारे में मैं बता दूं कि इसने, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी, एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी कि मुझे एक मैनेजर की जरूरत है मेरा काम धंधा संभालने के लिए, तो जो इस पोस्ट के लायक अपने आप को समझता है मुझसे मिल ले। तो जसुआ जॉब जाकर माइकल हैंचर्ड से मिला, तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या है जॉब पे रख लूंगा। लेकिन अब जो लेटर आया है वो लेटर
किसी और पर्सन से आया है। जब वो मिलने के लिए गया तो वो पर्सन था डोनाल्ड फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे याद रख लेना, ये एक स्कॉट्समैन है, स्कॉट्समैन है, स्कॉटलैंड का निवासी है। तो उसने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है, आपका बुरा ना जाए, अच्छे में बदल दूंगा, जो भी खराब हुआ उसको सही कर दूंगा। तो क्या किया हेंजर ने, इसको अपने मैनेजर के रूप में रख लिया, नौकरी पर रख लिया कि ठीक है तुम मेरे पास नौकरी पर आ जाना। इससे क्या है, जशुआ जॉब जो है वो नाराज हो गया, जशुआ जॉब जो है वो नाराज हो गया और उसने कसम खा ली कि मैं इससे बदला लेकर आऊंगा, कैसे ना कैसे बदला लूंगा। अब सोलोमन लॉन्गवेज जो है ये सारी बात इसको बताता है सुजन को। सुजन इसको कहती है कि मैं उस पर्सन से मिलना चाहती हूं, तो एक नोट लिखती है, नोट लिखकर हेंचर तक पहुंचा देती है। हेंचर को पता चल जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं है, ये पर्सन कोई और नहीं है, ये उसकी वाइफ सुजन ही है जो वापिस आई है। तो वो उस नोट के रिटर्न में क्या करता है, एक एनवेलप लेता है, एनवेलप लेकर उसमें 5 गिनीज डालता है और कुछ लिखकर वापस भेज देता है और दोनों एक जगह पर मिलने का निर्णय करते हैं। उसमें लिखा होता है कि दोनों रिंग नाम की जगह पर मिलेंगे, ठीक है, इस जगह पर आकर मिलेंगे। और वो एनवेलप उसके पास आ जाता है, बड़ी खुश होती है कि मुझे स्वीकार कर लिया है और मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। जब वो मिलने के लिए आया तो उसने क्या है उससे सारी बात पूछी, ठीक है, कि कैसे तुम्हारी जिंदगी रही क्या, और खुद का सारा कुछ बता दिया कि मैंने क्या कसम खाई है, किस तरीके से मैं मेयर बन गया और अब मैं क्या है तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। इसने क्या है कि रेंट पर इसको घर दिलवा दिया, आलीशान घर दे दिया रेंट पर लेकर कि रेंट मैं भरता रहूंगा, तुम अपनी बेटी, यानी कि वो कह रहा था हमारी बेटी के साथ वहां पर रहो। तो ये वहां पर क्या है रहने लग गई। अब ये जो हैंचर्ड है इसकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम है। हुआ क्या कि एक बार ये बीमार हो गया, जर्सी गया था और किसी काम से, और जर्सी जाकर वहां बीमार हो गया। वहां एक लड़की थी जिसका नाम था ल्यूसेटा, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। जर्सी में इसकी देखभाल उस लड़की ने की। जब उस लड़की ने इसकी देखभाल की, बड़ी फ्रैंक थी, तो लोग उसको बदनाम करने लग गए, ठीक है, कि इस तरीके से रह रही है उसके साथ जैसे उसकी रखेल हो, तरह तरह की बातें लोग करने लगे उसके बारे में, लेकिन उस लड़की ने माइंड नहीं किया, बहुत ही फ्रैंक थी। फिर क्या दोनों आपस में पत्र के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते रहे, एक दूसरे को लेटर भेजते रहे और एक दूसरे से प्यार करने लग गए। और माइकल हेंचर ने जो ल्यूसेटा थी उसको कहा कि तुम मेरी वजह से बदनाम हुई हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उससे प्रॉमिस कर लिया शादी करने का। अब क्या है सुजन वापिस आ गई है तो उसके सामने मुश्किल खड़ी हो गई ल्यूसेटा वाली। तो उसने क्या किया, एक पत्र लिखकर ल्यूसेटा को भेज दिया और बहुत सारा पैसा भी भेज दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी वापिस आ गई है और उसके साथ मेरी बेटी भी आ गई है, और उसको बहुत सारे पैसे देकर, ठीक है, चुप कराने की कोशिश की। अब क्या है हेंचर ने वापिस इससे मिलना शुरू कर दिया सुजन से, लोगों को थोड़ा शक होने लग गया। तो उसने सोचा कि इससे पहले कोई बात लोग करें, तो उसने चर्च में जाकर सुजन से शादी कर ली। एक बार फिर से उसकी शादी हो गई सुजन से, अब वो पब्लिकली पति पत्नी हो गए और एक साथ रहने लगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, चलिए अब हम देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। देखिए अब सुजन जो है, सुजन क्या है बीमार हो जाती है और वो पेन और पेपर में लगी रहती है, उसको और कोई काम नहीं सूझता और पेन और पेपर लेकर कुछ लिखती रहती है। तो इतने में क्या हुआ, किसी अननोन पर्सन से 2 लेटर मिले। एक मिला एलिजाबेथ जैन को, एलिजाबेथ जैन को एक लेटर मिला, और एक मिला फारफ्रे को। एलिजाबेथ जैन और फारफ्रे दोनों को एक एक लेटर मिला, उसमें लिखा था कि मैं आपसे, सेम लेटर लिखा था,
एलिजाबेथ जैन को भी वहां डर नावर पर मिलने के लिए, इस जगह पर डर नावर नामक प्लेस था उस पर मिलने के लिए बुलाया, इधर से फारफ्रे को बुला लिया। लेकिन जब ये दोनों वहां पहुंचे, तो क्या है, वहां कोई भी नहीं था। तो फारफ्रे को देखकर एलिजाबेथ घास के ढेर के पीछे छिप गई। तो तब बरसात आने लगी, तो वो भी थोड़ा घास की तरफ जाने लगा, तो उसने एलिजाबेथ को देख लिया। तो उससे पूछता है कि क्या तुमने बुलाया है? वो कहती मैंने नहीं बुलाया। तो फारफ्रे को वो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया। तो इस तरीके से कंफ्यूजन दोनों की क्लियर हो जाती है कि एक ये जो लेटर्स आए हैं किसी अननोन पर्सन से दोनों को आए हैं। इस समय पे क्या है कि उसकी बॉडी पे कुछ घास के तिनके लग जाते हैं, एलिजाबेथ जैन की बॉडी पर घास के कुछ तिनके लग जाते हैं बरसात की वजह से। तो फारफ्रे क्या है उनको रिमूव करता है। जब उसको रिमूव करता है तो दोनों में थोड़ी सी क्लोजनेस आती है, तो यहाँ पर उनमें थोड़ी सी इंटीमेसी बन जाती है, मतलब एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है यहां से ये वापस चले जाते हैं। अब क्या है जो फारफ्रे था, ठीक है, तो फारफ्रे दिनों दिन क्या है थोड़ा फेमस हो रहा था, पब्लिक में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, और इसने अपना पर्सनल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, अनाज का पर्सनल बिजनेस इसने स्टार्ट कर दिया था। अब इसके फेम को देखकर, इसकी पब्लिसिटी को देखकर हैंचर जो है इससे जेलसी करने लग गया। और फिर उसने क्या देखा कि उसको तो पता है कि एलिजाबेथ जैन मेरी बेटी है, तो उसने क्या देखा कि ये इसके थोड़ा नजदीक आ रहा है, इसको पसंद नहीं था, इसने क्या है अप्रूव नहीं किया इनकी नजदीकियों को, तो इसने वहां का काम छोड़ दिया, हैंचर के यहां काम छोड़ दिया और सेपरेट करने लग गया। इधर से क्या है हैंचर के साथ क्या हुआ कि किसी ज्योतिषी से मिला, वैसे वो विश्वास नहीं करता था, लोगों के सामने किसी ज्योतिषी वगैरह पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पर्सनली वो मिलने के लिए गया और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इस साल मौसम बड़ा ही भयंकर होगा, तूफान आएगा और तुम जितना भी अनाज स्टोर कर सकते हो कर लो, बड़ा महंगा बिकेगा। तो ये भविष्यवाणी सुनकर हैंचर्ड को उस भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया, तो उसने जहां से भी उसको अनाज मिला, आसपास जहां से भी उसको अनाज मिला, खरीद खरीद कर स्टोर कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि आसपास किसी के पास नहीं होगा तो मेरे पास लेने के लिए आएंगे। लेकिन फारफ्रे जो था वो थोड़ा दिमाग से काम लेता था, उसने ना ज्यादा बेचा और ना ज्यादा खरीदा, मीडियम वैसे ही काम करता रहा जैसे चलता है, उनको इन चीजों पर विश्वास नहीं था, इसने जितना भी पैसा था अनाज खरीद खरीद कर रख लिया। तो हुआ क्या, उस साल मौसम बड़ा अच्छा रहा, अच्छी बरसात हुई, अच्छा मौसम रहा और अनाज सबके घर में खूब पैदा हुआ, सबके खेतों में अनाज खूब पैदा हुआ। तो इसका जो स्टोर किया हुआ अनाज था तो वो तो वेस्ट हो गया और अब रेट भी उसका सस्ता हो गया। तो इस तरीके से इसका जो बिजनेस है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इधर से जो फारफ्रे है ये तरक्की कर रहा था, ठीक है, इसका बिजनेस जब पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो इसके जो कर्जदार थे आकर इसको तंग करने लगे और पूरी तरह से ये दिवालिया हो गया। इसके कर्जदार इसको तंग करने लगे, हैंचर्ड के कर्जदार, तो इसने जो कुछ भी अनाज था सस्ते भाव में बेचकर और जो कुछ भी इसके पास प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ बेचकर सबका कर्जा उतार दिया, किसी का कर्जा नहीं रखा। तो इसने हर कीमती वस्तु बेच दी थी, इसने अपना घर भी फारफ्रे को दे दिया। तो फारफ्रे ने इसका बिजनेस ले लिया इससे और उसका कर्ज चुकवा दिया। तो फारफ्रे क्या है अब हैंचर्ड के घर का मालिक बन गया है, ठीक है, और हैंचर्ड बर्बाद हो गया है, दिवालिया हो गया है। तो ये सीन इधर चल रहा था, इसमें एक सीन और ऐड हो गया। ये तो दुर्भाग्य था कि ये बर्बाद हो गया। एक औरत सड़क पर लड़ाई करते हुए, शराब पीकर शोरगुल करते हुए पकड़ी गई, कांस्टेबल ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो बर्बाद होने से पहले की बात है, तो अभी मेयर तो वो था और फाइनेंशियली वो बर्बाद हो गया था, मेयर तो था वहां कास्टरब्रिज का। तो उस पब्लिकली जब औरत को पकड़ा तो जज के सामने उसकी सुनवाई थी और उस दिन जज क्या था कोर्ट में मौजूद नहीं था। तो एज अ मेयर इसको जज का काम करने के लिए वहां बिठाया गया कुर्सी पर। तो जब ये वहां पर बैठा
उस मुकदमे को सुनने लगा तो उस औरत ने पहचान लिया, ये औरत वही थी फर्मिटिव वुमेन, ये औरत फर्मिटिव वुमेन थी जिसने इसको शराब बेची थी और शराब पीकर इसने अपनी पत्नी को बेच दिया था। तो फर्मिटिव वुमेन ने उस बंदे की ओर इशारा करके हैंचर्ड के बारे में पब्लिकली सबको बता दिया, उस कोर्ट में सबको बता दिया कि ये वही बंदा है जिसने 5 गिनीज में अपनी पत्नी और बेटी को बेच दिया था। तो सभी क्या है, इससे नफरत करने लगे, इसकी तौहीन करने लग गए कि ये ऐसा इंसान है, हमने इसको मेयर बना रखा है। तो क्या है, सभी इसके खिलाफ हो गए और फारफ्रे को पसंद करने लग गए। अब कहिए पूरी तरह से दिवालिया तो हो ही गया, बर्बाद हो गया, तो मेयर कहाँ रहेगा। तो अब क्या है, लोग इसको मेयर बनाना चाहते थे, ठीक है, इसको हाई पोजीशन देना चाहते थे। तो ये दो दुर्भाग्य इसके साथ हुए। इधर से क्या है, जो इसकी पत्नी सुजन थी वो बीमार हो गई, तो इसके पास एक लेटर आया और उस एनवेलप पे लिखा था कि इसको एलिजाबेथ जैन की शादी के अवसर पर खोलना, उससे पहले मत खोलना, ठीक है। उसने एलिजाबेथ के बारे में कुछ लिखा था और ये लिखा था कि शादी पर खोलना है, ठीक है। और एलिजाबेथ जैन को अपने पास बुलाकर कहा कि जो तुम्हें दो अनजान लेटर मिले थे, एक तुम्हें और एक फारफ्रे को, वो लेटर मैंने ही भेजे थे, बीमार थी, ये दोनों पत्र, ठीक है, मैंने ही भेजे थे, ये बताकर और उधर उसको पत्र भेजकर ये मर गई। तो सुजन की हो गई डेथ, सुजन मर गई। अब क्या है, अब सुजन इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या चाहता है कि वो लुसेटा से शादी कर ले। अब लुसेटा को पता था किसने मुझे शादी करने से मना कर दिया है। तो ये क्या है, कास्टब्रिज में ही एक हॉल था, हाई पैलेस हॉल, यहाँ कराने लगी, ये जगह याद रखना, इस जगह पर लुसेटा कराने लगी। लुसेटा के साथ क्या हुआ कि इसकी कोई चाची थी, वो उसकी आंच जब मरी तो बहुत सारी जायदाद इसके नाम से छोड़ के चली गई और ये अचानक ही बहुत ज्यादा अमीर हो गई। लुसेटा अचानक ही बहुत ज्यादा अमीर हो गई, और ये बहुत ज्यादा अमीर हो गई और ये सड़क पर आ गया। अब लुसेटा हाई पैलेस हॉल में आकर रहने लगी, ठीक है। अब क्या है, हैंचर ने जो लिफाफा था, वो लेटर था जिस पर लिखा था कि शादी पर खोलना, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया होगा या कोई बात होगी, उससे रहा नहीं गया, उसने वो पत्र खोला। उस पत्र में ये लिखा था कि एलिजाबेथ जैन इज नॉट योर बायोलॉजिकल डॉटर, कि एलिजाबेथ जैन जो है तुम्हारी बेटी नहीं है। उसमें यह लिखा था कि एक्चुअल में जो तुम्हारी बेटी एलिजाबेथ थी वो कुछ समय बाद ही बीमार होकर मर गई थी, तो ये तो न्यूसन की बेटी है और मैंने उसका नाम भी एलिजाबेथ ही रखा है, ये न्यूसन की बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। अब क्या है, हैंचर्ड के पास एक ही सारा था, वो सोच रहा था कि अपनी बेटी के लिए वो जिएगा। अब क्या है, उसको पता चल गया कि ये बेटी तो सौतेली है, मेरी है ही नहीं, तो उसका रवैया अपनी बेटी के प्रति चेंज हो गया। अब एलिजाबेथ ये देखकर हैरान हो गई कि अचानक से मेरे पिताजी को क्या हो गया, इस तरह का व्यवहार क्यों करने लग गया। तो एलिजाबेथ और हैंचर्ड में थोड़ा मन मुटाव रहने लग गया, तो एलिजाबेथ हैंचर्ड को छोड़कर हाई पैलेस हॉल में लुसेटा के पास चली गई। जब उसको पता, लुसेटा को पता चला कि हैंचर्ड ने अपनी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करता, तो लुसेटा उसको अपने पास ले आई, ठीक है, भी अपनी बेटी को पसंद नहीं करता है, तो लुसेटा उसको अपने पास ले आई। तो एलिजाबेथ अब यहां रहने लगी, इससे इसको दो फायदे थे, ठीक है, कि एलिजाबेथ जब तक ये यहां है तो हैंचर्ड यहां नहीं आएगा। अब क्या है, एक दिन क्या हुआ, फारफ्रे लुसेटा से मिलने के लिए उसके घर पर गया। एलिजाबेथ पहले से पसंद करती थी फारफ्रे को, फारफ्रे भी करता था, लेकिन जब ये लुसेटा के घर पे गया तो उसको देखकर ये लुसेटा को पसंद करने लग गया। अब लुसेटा भी फारफ्रे को पसंद करने लग गई, ये बार बार उनके घर आने जाने लग गया, तो एलिजाबेथ को उस पर शक हो गया, एलिजाबेथ को उस पर शक हो गया। तो एलिजाबेथ ने क्या किया, काफी निगरानी रखने की कोशिश की। इधर से हैंचर्ड जो है लुसेटा से शादी करना चाहता था, हैंचर्ड लुसेटा से शादी करना चाहता था, तो ये इससे मिलने के लिए गया हाई पैलेस हॉल पर, लेकिन लुसेटा ने मिलने के लिए मना कर दिया, उसको वेट करवाया बाहर। तो
वहां पर जब फारफ्रे आया तो उसने उसको एंटर करवा लिया। तो अब ये जासूसी करने लग गया तो उसने क्या देखा कि इंटीमेसी बन चुकी है किनके बीच, लुसेटा और फारफ्रे के बीच, फारफ्रे और लुसेटा के बीच काफी इंटीमेसी बन चुकी है। इसलिए क्या है, अब वो फारफ्रे पर पब्लिकली गुस्सा करने लग गया, ठीक है, उसको धमकी देने लग गया मारने पीटने की। उधर से हैंसर जो है लुसेटा को भी धमकियां देने लग गया कि मेरे तेरे लेटर्स मेरे पास पड़े हैं, मैं इसको फारफ्रे को दिखा दूंगा। तो लुसेटा ने चुपके से फारफ्रे से शादी कर ली, लुसेटा और फारफ्रे की चुपके से शादी हो गई, हैंसर को पता नहीं था। अब हैंसर के पास क्या था, लुसेटा के लेटर पड़े थे, अब लुसेटा उसको वापस चाहती थी। एक दिन क्या है, लुसेटा जा रही थी तो एक सांड ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हैंसर ने बचा लिया लुसेटा को। तो जब उसने बचा लिया तब उसने हैंसर को बातों बातों में ही बहला फुसला लिया कि मुझे वो लेटर वापस चाहिए। तो वो लेटर कहां थे, अब हैंसर ने अपना घर किसको बेच दिया, फारफ्रे को दे दिया। अब फारफ्रे के पास वो लेटर पड़े थे, अब हैंसर क्या है इसके अंडर काम करने लग जाता है, फारफ्रे के अंडर काम करने लग जाता है, उसके घर जाता है और वो लेटर प्राप्त कर लेता है, वो लेटर उसको मिल जाते हैं। वो क्या करता है, उन लेटर को लेकर पहले तो पब्लिकली शो करना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो फारफ्रे को पढ़कर सुनाता है जोर जोर से, लेकिन बताता नहीं है कि ये है किसके, फारफ्रे को जोर जोर से पढ़कर सुना देता है उसकी उसी के घर में, और ये बताता नहीं है कि ये लुसेटा की है। वो वहां से लेकर लेटर्स आ जाता है और जशुआ जॉब जो इससे पहले बदला लेना चाहता था, ये जशुआ जॉब को वो लेटर दे देता है कि उसको पहुंचा दो, लुसेटा को वापस दे। एक बंडल होता है इतना बड़ा, लुसेटा को वापस देने के लिए वो किसको दे देता है, जशुआ जॉब को। जॉब को कहता है कि तुम पकड़ाओ। तो जॉब जो है सीधा लुसेटा के पास जाने की बजाय एक इन है, बड़े ही बदनाम लोगों की इन कहा जाता है, कुख्यात लोग जहां रहते थे, तो वहां से होता हुआ लुसेटा के पास जाता है, ठीक है, डायरेक्ट उसके पास जाने की बजाय एक इन में जाता है, वहां सबको पढ़ के सुनाता है कि ये हैंसर और लुसेटा के बीच का वार्तालाप है, जोर जोर से सुनाता है। तो ये लुसेटा को पूरी तरह से क्या है, बदनाम कर देते हैं। अब क्या है, वहां के लोगों की नजरों में हैंसर पहले ही बदनाम था, लुसेटा भी बदनाम हो गई। अब क्या हुआ, तो वहां के लोगों ने दो पुतले बनाए और उन पुतलों को गधे पर बिठाकर वहां चक्कर लगाने लगे। तो इस बदनामी को क्या है, लुसेटा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस शौक से इस गम से ही मर गई। तो लुसेटा मर गई, ठीक है, लुसेटा इस गम से मर गई कि मेरी इतनी ज्यादा बदनामी हो गई। तो अब लुसेटा मर गई, फारफ्रे अकेला रह गया। अब क्या है, न्यूसन जो कि नेबर ने बताया था, जो कि उसके फ्रेंड ने बताया था मर चुका है, वो वापस लौट आया, किसी ने उसको बता दिया कि तुम्हारी पत्नी कास्टर ब्रिज गई है। तो वापस कास्टर ब्रिज आकर पता किया तो सोसन तो मर चुकी थी, और उसने अपनी बेटी के बारे में बातचीत की, उसने हैंसर से पूछा, न्यूसन जो है हैंसर से आकर पूछता है एलिजाबेथ के बारे में। तो न्यूसन इसके पास आकर एलिजाबेथ के बारे में पूछता है, तो हैंसर इसको झूठ बोल देता है कि अपनी माँ के साथ ही वो मर गई थी और उसको उसके साथ ही दफना दिया गया। तो न्यूसन ये सुनकर वापस चला जाता है, लेकिन कोई उसको कह देता है कि एलिजाबेथ अभी जिंदा है, एलिजाबेथ अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये बड़ा गुस्सा होता है हैंसर पर और वापिस कास्टर ब्रिज आ जाता है अपनी बेटी को तलाश करने के लिए। अब क्या है, लुसेटा मर चुकी है, फारफ्रे क्या है अब शादी करना चाहता है एलिजाबेथ से, लुसेटा तो मर गई, फारफ्रे अब शादी करना चाहता है एलिजाबेथ से। अब न्यूसन क्या है, वापिस आकर इसको ढूंढ लेता है, और वो इसकी शादी फारफ्रे से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या है कि
हैंजर जो था बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था, वो इस कास्ट ब्रिज को छोड़कर जाना चाहता है, तो वो वहां से चला जाता है, ठीक है, और कहीं और रहने लग जाता है, वहां बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार होता है तो बीमारी के समय हैंजर की देखभाल करता है एबल विट्टल। एबल विट्टल नाम का पर्सन है, ये याद रखना कि लास्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। एबल विट्टल नाम का पर्सन इसकी देखभाल करता है जब ये बीमार हो जाता है। इधर से क्या है, एलिजाबेथ और फारफ्रे की शादी हो जाती है और न्यूसन इस शादी को संपन्न करवाता है, तो बड़ी खुशी से ये रहने लग जाते हैं। अब क्या, एलिजाबेथ को तरस आ जाता है हैंजर्ड पर, ठीक है, फारफ्रे और एलिजाबेथ दोनों इसकी तलाश में निकल जाते हैं। तो ये कुछ दूरी पर जाते हैं, देखो जब इसकी शादी हुई थी ना, जब फारफ्रे और एलिजाबेथ की शादी हुई थी तो वापिस एक बार आया था, वापिस हैंजर्ड इनको गिफ्ट देने के लिए आया था, लेकिन एलिजाबेथ ने उसको स्कोल्ड करके डांट कर वापिस भगा दिया था कि मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो वो बेचारा वापिस चला गया था, वो पैदल चलकर आया था और पैदल चलकर ही वापस गया, इतना बीमार हो गया कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। अब क्या है, इनको तरस आया, ये उसको ढूंढने के लिए निकले, तो रास्ते में उनको मिल गया एबल विट्टल। एबल विट्टल ने सारी बात बताई कि ये वहां गया था और वापस लौट करके आया, बीमार हो गया और इसकी मौत हो गई, मैंने देखभाल की, सड़क के किनारे ये मरा पड़ा था। अब क्या है, एबल विट्टल फारफ्रे और एलिजाबेथ को ले गया वहां जहां पर इसको दफनाया गया था। उसने एक लेटर लिखा था मरते वक्त और उस लेटर में एक वसीयत लिखी थी। वसीयत वैसे तो उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, लेकिन कुछ चीजें लिख के गया था। वो अपने लेटर में लिख के गया कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, कोई शोक व्यक्त नहीं करेगा, ठीक है, कोई उस कब्र पर कोई स्मारक वगैरह नहीं बनाएगा, कुछ भी वहां पर लिखा नहीं जाएगा, कोई मतलब मुझे याद नहीं करेगा। तो अपने आप को एक बहुत ही बुरा सा व्यक्ति साबित करके कि मैं बहुत तो बुरा हूं, इसलिए मेरी मौत पर भी कोई नहीं आएगा, इस तरीके से वो लिखकर मर जाता है। मरने से पहले ये बात लिखी थी, एबल विट्टल ने ये बात एलिजाबेथ और फारफ्रे को बताई थी। अब क्या है, इसी के साथ ही ये नॉवल की स्टोरी खत्म होती है कि ये तीनों के तीनों, न्यूसन, फारफ्रे और एलिजाबेथ, बड़ी खुशी से वापिस कास्ट ब्रिज में रहने लग जाते हैं और जो इसका मेन हीरो है, इसकी लाइफ एंड डेथ दोनों हो जाती है। तो हैंजर्ड इस तरीके से एक हेयरड्रेसर से एक मेयर बना, मेयर से वापस अपनी उस पोजीशन पे आ गया जहां से उसने जिंदगी स्टार्ट की थी। बहुत से उतार चढ़ाव इसकी जिंदगी में आए और अंत में ये गुमनाम मौत मर गया और ये नहीं चाहता कि कोई उसको याद करे। तो ये थी द मेयर ऑफ कैस्ट्रोविज की स्टोरी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।